नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Ibin 24 न्यूज़। और आपको बता दें, इस समय इंद्री रोड पर खड़े हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल गिरी हुई है। और अभी एक ये जो आप देख सकते हैं, ये एक्सीडेंट जो है यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी एक व्यक्ति जो है उसकी यहाँ पर उसे बता दें, आपको तस्वीरों में नहीं दिखा सकते, उसकी जो है मौत हो गई है। और यहाँ पर कैसे ये हादसा हुआ जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आसपास कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। किसने देखा ये हादसा होते हुए? लेडीज है, हाँ, इसका घरवाला था, उसको तो सपोर्ट के लिए एम्बुलेंस आ गई थी, उसको हॉस्पिटल में ले गई है। तो ये दोनों मियां बीवी बाइक पर जा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, ये इसकी तो डेथ तुरंत ही हो गई, उसकी वाइफ है, उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे हादसा कैसे हुआ सर, हमको पता भी आया, बस ये ड्यूटी कर रहे हैं पीछे से। ट्रक ने टक्कर मारी है। हाँ, ट्रक भी आगे रोक रखा, आगे खड़ा है, गाड़ी वाले। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि उनको जानकारी जो पुलिस प्रशासन से कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। सर एक बार जानना चाहेंगे कैसे हादसा हुआ, थोड़ी इसकी जानकारी क्या मिली सर? सर हमें ऐसे पता चला है, एक ट्रक वाला इसको मार गया, एक लेडीज घर पर होगी, मौके पर एक को ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। और ट्रक, हाँ, ट्रामा सेंटर भेज दिया, उनको पतिया। और जो गाड़ी वाला था वो आगे पकड़ लिया, ड्राइवर भाग गया है। तो ये हादसा सर कैसे, कुछ पता चला किस तरीके से हादसा हुआ? क्या ये जा रहे थे ऐसे साइड मार कर चला गया, साइड पीछे से आ रहा था? हाँ, पीछे से आ रहा था साइड से। तो फिलहाल तो कहाँ से कहाँ जो है, मतलब किस जगह पर हुआ है ये हादसा, कौन से? करनाल इंद्री रोड पे हुआ, करनाल इंद्री रोड पे, न्यू बस स्टैंड के सामने। यहाँ पर लोगों से बताना चाहेंगे, बस स्टैंड जो नया बस स्टैंड है उसके बिल्कुल पास में ही ये हादसा हुआ है। गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर देख लीजिए, HR05AS6443 जो है मोटरसाइकिल का नंबर है। और यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है सामने की तरफ, इंद्री की तरफ जो है जा रहे थे, और ऐसे में पीछे से एक बड़ा जो है ट्रक आता है और साइड मारकर चला जाता है। और ऐसे में आपको बता दें, इस समय महिला है, यानी कि जो हमें अभी बताया गया महिला है, उनको इस समय उन पर चादर जो है दी गई है। और जो है मतलब आपको वो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे में विचलित हो सकते हैं आप। और उनके जो पति हैं उनको फिलहाल जो है अस्पताल भेजा गया है। वाकई में बहुत ज़्यादा दुख की खबर है कि एक पति पत्नी जो हैं वो जा रहे थे और अचानक उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। और बताया जा रहा है कि सामने की तरफ जो ट्रक है, आप देख सकते हैं कि जो हेलमेट है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है तस्वीरों में। आगे का जो पूरा मोटरसाइकिल का हिस्सा है वो यहाँ पर टूटा है। मोटरसाइकिल के अंदर जो है फिलहाल जो आगे की हेडलाइट का डैमेज आया है, बाकी यानी कि कहीं ना कहीं सिर पर गंभीर जो है चोटें लगी हैं। मोटरसाइकिल कॉर्नर पर गिर गई और खुद जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिलहाल बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा उनको भी कि पति को चोट आई है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और जो आपको बताया जो ट्रक है वो आगे की तरफ उसे रोका हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल जो है आपसे जो है आपको दिखाते हैं कि आखिर वो ट्रक कौन सा है। और साथ के साथ जो है ट्रक का जो नंबर है वो भी लेने का प्रयास। सर ट्रक का नंबर क्या है सर, उसके बारे में जानकारी एक बार लेना था। ट्रक का नंबर आपको बताना चाहेंगे कि आखिर जो कौन सा वो ट्रक है। तो ट्रक का नंबर है HR67B9699। तो ये जो है ट्रक का नंबर है। और बताया जा रहा है आगे जो है उसे रोका गया, लेकिन ड्राइवर जो है वो फरार हो गया है। और आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या ड्राइवर ने कोई नशा कर रखा था या वो तेज़ रफ्तार में था, फिलहाल इसका कहना मुश्किल है। आप में से किसी ने हादसा देखा है होते हुए? किसी ने देखा नहीं हादसा होते हुए। मौके पर कौन मौजूद था यहाँ पे जब हादसा हुआ? अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है फिलहाल जो है देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो ट्रक है वो कहाँ पर है जिससे ये हादसा हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जिसके जो है उन्हीं जाने वाले मियां बीवी जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे उन्हें भीषण टक्कर मारी है। और ऐसे में उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। पति जो है उसको फिलहाल आप नंबर देख लीजिए, HR67B9699, ये वही नंबर है जो आपको अभी हमने जो है पुलिस प्रशासन के मोबाइल स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया था। और अब जो है ये ट्रक जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका ड्राइवर भी मौके से फरार हो चुका है। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो हादसा हुआ है इससे लगभग 300-400 मीटर पहले जो है हादसा होता है। और वो यानी कहीं ना कहीं वो आगे दौड़कर जो है शायद इस रास्ते से कहीं भागा होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता जाने का है। और यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, इस तरीके से काफ़ी जो है ये दुख भरी जो है खबर है कि इस तरीके से मियां बीवी जो है रास्ते में जा रहे हैं, पति पत्नी, और उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। लोगों को कंट्रोल करना चाहिए अपनी रफ्तार पर, और ट्रक चलाते समय ना कभी ड्रिंकिंग करें, ना कोई किसी तरह का नशा करें। आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। लेकिन ये हादसा फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो है इन्हीं वजहों से होता है, या तेज़ रफ्तार या नशा करने की वजह से। और ये इंद्री वाली रोड है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा, आपको बता दें इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा हादसे होते हैं।
और यहाँ पर लोग बहुत अंधाधुंध स्पीड से जो है गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए यही कहना चाहेंगे कि ध्यान से अपनी गाड़ी चलाएं और ना अपनी जान खतरे में डालें ना दूसरों की। फिलहाल पुलिस प्रशासन से ये भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब जो आपको बता दें बॉडी वहाँ पड़ी है तो अब कैसे जो है आगे इसको जो है इस तफ्तीश को वो लेकर जाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि किस तरीके से वो व्यक्ति भागा है। तो एक बार जो है वापस चलकर देखते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? शिवचंद्र। तो आपको बता दें कि इस समय जो मोटरसाइकिल है उसके पास वापस आए हैं और आपको बता दें अभी अभी हमने जो है पता करवाया है इस नंबर से, शिव चंद्र के नाम से ये बाइक जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल चलाने वाले कौन थे इसके बारे में जानकारी नहीं है। शायद हो सकता है वो खुद हो, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको तस्वीरें नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि इस समय जो है एक जो है आपको बता दें उनका शव जो है पड़ा हुआ महिला का। और यहाँ पर जो है फिलहाल पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि क्या एम्बुलेंस को जो है इसकी जो है जानकारी दे दी गई है। सर क्या एम्बुलेंस के जो है बता दिया गया है कि एम्बुलेंस के लिए डेड बॉडी एम्बुलेंस आ रही है थाने से, वो जैसे आ जाइए आ रहे कहाँ पर लेकर जाया जाएगा? इसके सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। तो कोई अभी जानकारी कुछ ऐसा नहीं पता चल पाया व्यक्ति कहाँ है या जब आइए आने के बाद इसके अंदर से चेकअप करेंगे ना जी, उसके बाद अभी ऐसे नहीं कर सकते। ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई? ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं। सदर थाने से। तो यहाँ पर जो है फिलहाल लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, काफ़ी दुखदाई है। इंद्री रोड पर जाते हुए हादसा हुआ बताया जा रहा है, ट्रक तेज़ रफ्तार में था। ये रोड काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर तेज़ रफ्तार में वाहन चलते हैं, लोगों से अपील करना चाहेंगे धीरे वाहन चलाएं, ज़िंदगी कीमती है और कुछ भी कीमती नहीं है। और यहाँ पर फिलहाल मोटरसाइकिल की जो हमने हालत देखी, मोटरसाइकिल लगभग काफ़ी हद तक जो है डैमेज नहीं है। इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है या तो सिर जो बजा है वो ट्रक के साथ लगा है या फिर ज़मीन में टकराने के वजह से जो है वो मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जो है उनके पति की काफ़ी गंभीर स्थिति, इस महिला के जो पति है उसकी गंभीर स्थिति थी, लेकिन उसे लेकर गए हैं और हम जो है फिलहाल ये दुआ करते हैं कि उनकी जान बच जाए। लेकिन फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है और लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल के हालात कैसे हैं और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने की तरफ भी कितना बड़ा गड्ढा जो है यहाँ पर है। काफ़ी सारी जो है इस तरीके से जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आप बता दें, आप तस्वीरों में एक चीज़ और भी देखना चाहेंगे कि बीच में बजरी पड़ी हुई है, जो पत्थर पड़े हुए हैं ये भी जो है लोगों के लिए जान का उनकी जो है मौत का कारण बनते हैं। आप डिवाइडर जो है बनाने का यहाँ प्रयास हो रहा है लेकिन वो प्रयास कितने समय से आज तक पूरा ही नहीं हो पाया आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये पत्थर अगर किसी मोटरसाइकिल के नीचे आए तो वो गिरकर सीधा गिर सकता है। तो ये कार्य जो है पता नहीं कब से जो है पेंडिंग पड़ा है, ये भी इसकी जो है जिम्मेदारी है प्रशासन की बनती है, लोगों की जान से खिलवाड़ा ना करें। लोगों से जो है यही कहना चाहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे एमबी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।